फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे माउथ अल्सर्स यानी मुंह में छालों के बारे में। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूं या जब भी मैं लाइव कंसल्टेशंस में हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, माउथ अल्सर्स। तो माउथ अल्सर्स जिनको मुंह में छाले पड़ना या एप्थर्स या एप्थे या एप्थस अल्सर, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है कि जो आपका ओरल कैविटी है, जो ये पूरा माउथ के अंदर ओरल म्यूकोजा है, उसमें अगर किसी तरह का छाला या अल्सर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं माउथ अल्सर। तो ये हो सकता है आपके ओरल कैविटी में हो, कई बारी लिप्स में, लिप्स के कॉर्नर में या लिप्स में भी अगर है, या जो आपका रूफ ऑफ द माउथ है यानी कि जो आप जीभ से ऐसे ऊपर आप टच कर सकते हैं पैलेट, तो अगर वहाँ पे है उसको भी हम माउथ अल्सर कहते हैं। तो इसके कारण क्या है? तो इसका कारण एक तो है कि कभी अगर इंजरी हो जाती है आपको, अगर आपने डेंचर्स वगैरह लगवाए हैं या ब्रेसेस लगवाए हैं, वो थोड़ा सा ठीक से फिट नहीं हुआ, उसके इल फिटिंग के वजह से बार 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 इरिटेशन हो रहा है कहीं पे, वहाँ पे अल्सर बन गया। कई बार हो सकता है सुबह बहुत जल्दी में और बहुत जल्दी जल्दी आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश से इंजरी हो गई, एकदम ज़ोर से आपने ब्रश किया और लग गया, तो उससे भी माउथ अल्सर बन सकते हैं। तो इंजरी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इंजरी या ट्रॉमा माउथ अल्सर बनने का। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो इन सब डेफिशिएंसी के वजह से भी माउथ अल्सर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट में कुछ आपको प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या आपको क्रोहन्स डिजीज है, सीलियक डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट में कोई बीमारी होती है तो तभी भी अल्सर्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नॉर्मली जो माउथ अल्सर है वो आपका बनता है और 7 to 14 डेज के अंदर वो अपने आप हील भी हो जाता है। तो माउथ अल्सर अगर है तो हम क्या क्या कर सकते हैं एज अ जनरल, ताकि हमें जल्दी से उसके स्वेलिंग में, पेन में आराम मिले। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर माउथ अल्सर आपको हो रहा है तो सबसे पहली चीज़, खाना पीना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। अगर आप बहुत मिर्च मसाला वाला खाना खाएंगे तो जैसे ही वो अल्सर पे टच होगा तो एकदम से जलन हो जाएगी, तो इसीलिए स्पाइसी खाना अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, क्योंकि अगर इंजरी की वजह से हुआ है, स्पेशली ब्रश वगैरह करने के टाइम पर, जब ब्रश करेंगे तो बहुत ध्यान से सॉफ्ट ब्रिसल का के ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से ब्रश करेंगे। नंबर 3, ओरल हाइजीन मेंटेन करेंगे। तो एवरी टाइम आप जब खाना खाते हैं तो उसके बाद मुंह को अच्छे से पानी से रिंस करना ज़रूरी है, और उससे अगर जो भी हाइजीन है मुंह का, हाइजीन मेंटेन रहेगा तो फर्दर इन्फेक्शन के वजह से आपको माउथ अल्सर्स जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये तो कुछ जनरल मेजर्स हैं कि अगर माउथ अल्सर है तो आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ होम रेमेडीज या क्या हम घर पे कर सकते हैं ताकि माउथ अल्सर के जलन में आराम मिल जाए, जो सूजन है उसमें आराम मिल जाए, तो उसके लिए आप शहद में थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर शहद में मिला के अगर अल्सर के, जहाँ पे भी अल्सर है वहाँ लगाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, ठंडक मिलती है, और वहाँ पे जो भी अल्सरेशन हुआ है वहाँ पे सेल्स वगैरह नए बन जाते हैं और जो रिकवरी है बहुत स्पीडी हो जाती है। फिर आप गार्गल्स कर सकते हैं, तो गार्गल्स करने के लिए मेथी के पत्ते यानी फेनुग्रिक लीव्स, उसको अगर आप थोड़ी देर भिगो के रखेंगे मेथी के पत्तों को पानी में, मेथी के पत्तों को अच्छे से साफ करके उस पानी से गार्गल करेंगे तो उससे भी अल्सर्स बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। फिर त्रिफला पाउडर से भी अगर आप गार्गल्स करते हैं तो उससे भी जो माउथ अल्सर्स हैं वो जल्दी ठीक हो जाता है। फिर एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी जो ऑलमोस्ट सभी के घरों में शायद यूज़ होता है, वो है देसी घी। माउथ अल्सर्स में अगर आप देसी घी लगाते हैं तो उससे भी सूजन में आराम मिल जाता है, पेन में आराम मिलता है और अल्सर फटाफट से ठीक हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी दवाई है जो आपको माउथ अल्सर जैसे केस में आपको मदद कर सकता है।
तो सबसे पहली और सबसे ज़्यादा यूज्ड और यूजफुल मेडिसिन माउथ अल्सर में है मर्कसोल, MERC, मर्क SOL, सोल, मर्कसोल 30। तो मर्कसोल 30 में जैसे जलन आपको रहेगी, पेन रहेगा, और मर्कसोल 30 में मुंह में से जैसे पानी आता है, कई बारी अल्सरेशन में मुंह से पानी वगैरह आता है, तो वो सब जो पानी वानी आता है उसमें भी कंट्रोल करेगा। और साथ में अगर आपको कोई गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में माउथ अल्सर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर ऐसी कोई परेशानी भी है साथ में, तो उस केस में मर्कसोल 30 बहुत अच्छा काम करती है आपके माउथ अल्सर्स में। दूसरी मेडिसिन है हमारी नाइट्रिक एसिड 30। तो नाइट्रिक एसिड 30 तब हेल्पफुल है जब माउथ अल्सर्स में से ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा बहुत खून आ रहा है। कभी भी अगर आप देखते हैं माउथ अल्सर, अगर आपको जो ओरल म्यूकोजा है और जो लिप्स है उसके मार्जिन में कहीं हो रहा है, माउथ के कॉर्नर में कहीं पे भी अल्सरेशन बन रही है और साथ में थोड़ी सी ब्लीडिंग है और साथ में चुभन वाली जो पेन होती है नाइट्रिक एसिड की, वैसी है, तो नाइट्रिक एसिड 30 बहुत हेल्पफुल है। एक मैं केस आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब मैं इंटर्नशिप में थी तो एक पेशेंट आए थे, एक इट वाज अ यंग मेल, अराउंड 20-25 इयर्स उनकी एज थी, तो उनको ये माउथ अल्सर की प्रॉब्लम बचपन से उनको होता था और उनको बहुत ज़्यादा रिकरेंट माउथ अल्सर्स होते थे, और उनका जो गाइडिंग सिम्टम था वो यही था कि उनके माउथ अल्सर जो लिप्स के कॉर्नर में कभी यहाँ बनता था, कभी यहाँ बनता था, ऐसे अलग अलग लोकेशंस में बनता रहता था, पर उसमें से हमेशा थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती थी। तो नाइट्रिक एसिड 30 से विद इन अ वीक उनका जो माउथ अल्सर है कम्प्लीटली ठीक हो गया, और फिर रिकरेंट जो बार बार रिकरेंट माउथ अल्सर होते थे तो वो भी नहीं हुआ। तो अगर माउथ अल्सर में से थोड़ी सी भी ब्लीडिंग है तो नाइट्रिक एसिड बहुत हेल्पफुल है। और नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है बोरेक्स 30। तो बोरेक्स में क्या होता है कि माउथ अल्सर्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट, यानी कि आपको फील होता है कि चीक्स वगैरह गर्म हो जाते हैं, मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर बच्चे हैं, छोटा बच्चा किसी को अगर ऐसा अल्सर हुआ है तो आप फील कर पाएंगे कि मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा वार्मथ या बहुत ज़्यादा हीट बन रही है, चीक्स में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ऐसे केस में बोरेक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है माउथ अल्सर्स में। तो ये कुछ मेडिसिंस थी होम्योपैथी में जो बहुत यूज़फुल है माउथ अल्सर्स के केस में, और जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई वो भी साथ में आप लेंगे तो बहुत हेल्पफुल है। तो अगर मेडिसिंस के बारे में आपको और जानना है तो आप अपने सिम्टम्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे लाइव कंसल्टेशंस में जुड़ सकते हैं, तो मैं आपका केस ले सकती हूँ लाइव कंसल्टेशन में, और जो मेडिसिन आपके केस में इंडिकेटेड है तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की माउथ अल्सर्स के बारे में या एप्थस अल्सर्स के बारे में, तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू।